हार्वेस्टर संचालन और क्षेत्र में अपना रसूख कायम करने के मकसद से पिछले दिनों एक गुट के मुखिया पर हुई फायरिंग के मामले में एक अन्य आरोपी लालू यादव को गोला का मंदिर पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस उसे सूर्य विहार कॉलोनी स्थित सौरभ तोमर के घर के पास लेकर पहुंची, जहां संजीव गुर्जर, लालू यादव और उनके साथियों ने 3 मई की शाम को फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को लालू यादव का जुलूस निकाला। पुलिस उसे अपने वाहन से लेकर गई और सौरभ तोमर के घर से कुछ दूर पहले ही उसे उतार दिया गया। फिर आरोपी को पूरे मोहल्ले में घुमाया गया और इस घटना के बारे में जानकारी जुटाई गई। इस मामले में संजीव गुर्जर सहित आधा दर्जन आरोपी गोला का मंदिर पुलिस में नामजद थे। पुलिस ने कहा कि आरोपी लालू यादव को जुलूस नहीं निकाला गया, बल्कि उससे घटना स्थल पर ले जाकर मामले की जानकारी जुटाई गई है। उधर लोगों का मानना है कि पुलिस ने जनता में इन अपराधियों का खौफ कम करने के लिए उनका जुलूस इसी इलाके में निकाला है। बहरहाल CSP ग्वालियर राजीव जंगले ने इस मामले में क्या बताया वो सुनिए। जुलूस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बदमाश लालू यादव करके बदमाश है। विगत दिनों तीन मई को अपने सौरभ तोमर रहते हैं, उनके घर के ऊपर जान से मारने की नीयत से इन लोगों के द्वारा दिन दहाड़े फायरिंग की गई थी। इस प्रकार की बदमाशी गुंडागर्दी तो कहीं शहर में चलेगी नहीं। ये कोई जुलूस नहीं निकाला गया है, इसको सब पुलिस ने कल रात्रि को गिरफ्तार किया है और इससे घटनास्थल हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है कि कैसे ये अपने लड़के इकट्ठे कतर के यहाँ पर आया था और कैसे फायर की थी। उस घटनास्थल को वापस उसके द्वारा जो जैसा यूज़ किया घटना में, जैसा उस कार्य उसने किया, उस चीज़ को चेक किया गया। कुल कितने आरोपी बनाए गए थे, अभी कितने पकड़े गए? उस टाइम तो देखो चार जने नामजद थे और उसके बाद कंटिन्यू जो पूछताछ की जा रही है उसमें अभी तक 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। क्या नाम है इसका? इसका लालू यादव नाम है। घास मंडी का रहने वाला है, पुराना रिकॉर्ड है और प्रकाश की बदमाशी चलेगी नहीं और ग्वालियर में ये ऐसे बदमाश अब इनके दिन पूरे हो गए, ये आप मान के चलिए। लगभग कितने का इसका पुराना रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है बदमाश